नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेनर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूंगा। बहुत बार 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 कितना बार बताने के बाद से भी, और ये एक ऐसी भ्रांति है जिसको जिसके लिए मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ कम से कम 5 लोग जरूर पूछते हैं कि सर ऑपरेशन हुआ है, सर कट गया है, सर घाव हो गया है, दूध पियेंगे कि नहीं। क्योंकि गांव में लोग बोलते हैं कि दूध पीने से मवाद हो जाता है। ये बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत धारणा है। किसी तरह का भी ऑपरेशन हुआ हो, खास करके हम लोग का हड्डी का ऑपरेशन कहीं हुआ है, चोट लगा है, आपको घाव हो गया है, कट गया है, पट गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप दूध नहीं पी सकते। दूध तो एक बहुत ही पौष्टिक आहार, सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, और शरीर में जख्म भरने के लिए प्रोटीन का बहुत ज़रूरत होता है, और दूध पीने से कभी भी घाव नहीं पकता है। बिल्कुल गलत धारणा है, और मैं चाहूँगा कि इस धारणा को समाज से ख़त्म किया जाए, और इसके लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। दूध पीना है किसी भी तरह का, फिर ये पूछते हैं गाय का पीना है कि भैंस का पीना, अरे जो मिलता है वो पीना है। ऐसा नहीं है कि ये दूध नहीं पी सकते हैं, वो दूध नहीं पी सकते हैं। तो दूध पीना है, और दूध पीना यूज़फुल है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी रहता है, हड्डी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे भी ऑपरेशन के लिए, दूसरे भी कहीं जख्म है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन होता है, और प्रोटीन ही जख्म भरने के लिए यूज़फुल कंपोनेंट रहता है फूड का। तो मुझे आशा है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएंगे, ताकि लोग डॉक्टर के पास कम पूछे, और इनको खुद को ये अवेयरनेस हो कि भाई दूध पीने से घाव नहीं पकता है, जख्म नहीं पकता है, ऑपरेशन नहीं पकता है। और इस दूध से जो ज़बरदस्ती समाज में लोग वंचित कर देते हैं, जिसको भी चोट लग जाता है, तो उससे रोका जा सके। धन्यवाद। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।